नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु रंजन कुमार रथ, इतिहास अध्यापक। सब चेष्टा करी आपण मान सम्मुख को नूतन नूतन वीडियो मान देवाई एवं आज यही एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर निकट में आम पहुँचीचु। यह हूँ सिल्वर सिटी बा रौप्य नगरी जहाँ को आम कहे कटक सहर। कटक सहर महानदी कूल गड़गड़ेश्वर बा गड़गड़िया मंदिर अवस्थित एवं यह निकटे अच्छी प्रसिद्ध बालीजात्रार तोरण जो बालीजात्रा विश्वविदित। ता सहित आम एपट देखुचे बारवाटी स्टाडियम, जो बारवाटी स्टाडियम कथा आगे एक भिड प्रस्तुत करी तुम मानक देवी। किंतु यह जाणी पूर्व चलत आम आखि पक गड़गड़िया मंदिर भितर कौन सब जिनस अच्छी क्यों क्यों देवता और देवी मंदिर अच्छी ता सहित आम तर पूजारी जाणिनवा यह मंदिर विषय चल। यह हूँ गड़गड़िया मंदिर प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार निकट अच्छा किए ना गणेश एवं कार्तिक मंदिर। चलते भितर को जीवा। एबे चलंतु आमे मंदिर भितर जीवा एवं मंदिर संपर्क में आमे सविशेष प्रतन आलोचना करिबा तांकर पुरोहित मानक सहित। आसंतु एबे देखु जाय मंदिर बाम पार्श्वरे बटवृक्ष, जो बटवृक्ष पाखापाखि 500 किंबा 600 वर्ष तलर पुराणा। एवं जितेबेले आमे बटवृक्ष आलोचना करूचे बटवृक्षर तरु छाय तले गढ़ी उठी अनेक मंदिर, तारिणी मंदिर अच्छे एपटे अनेक मंदिर अच्छे से विषय आम भितर आलोचना करवा। ता सहित आम डाण पाखे अच्छा गड़गड़ेश्वर मंदिर। चलो मंदिर भितर को जीवा एवं से संपर्क आलोचना कर। आम देखुचे गड़गड़ी मंदिर मुख्य द्वार मुख्य फाटक आम ठिया होचे। ता सहित आम देखुचे कौन ना ये कोविड नियम नियमावली लिखा जाक वर्तमान जो कोविड सारा विश्व वर्तमान अस्त। चलतु आम ए मंदिर भितर को जीवा। मो सहित एबे अच्छा गड़गड़ी मंदिर पूजक विश्वरंजन पंडा। चलतु तांकु पचारि बुझा जे कि मंदिर बहुत गुड़े क्वेश्चन अच्छे मो सामने। किंतु प्रथम प्रश्न रहिबो नना को बा मुख्य पूजक को जे मंदिर नना केबेठारु आरंभ हला। जजाति किशोरी रजा अमल जो मैंने सब रजा मैंने रही लास्ट राजा मुकुंददेव हिसाब से आम जब धरवा 1510 ख्रीटाब्द पूर्व ठाकुर ना थी खड़गेश्वर महादेव जोटा कि आम ठाकुर ब्रिटिश रेकर्ड्रे भी बाहर एवं लोककथार भी जना जाए। तेणुक 1510 ख्रीटाब्द पर चैतन्य जिते बड़े नदिया नदीपुर पूरी को निजर जात्रा आरंभ करते ठाकुर महिमा जाणीकर महानदी कूल ओल्लैकी ठाकुर पाखे गढ़ी जाते खुशी आनंद बाली तापर भी ठाकुर ना है गड़गड़ेश्वर। तेणुक ना चेंज हबार धरतु 520 वर्ष अतिक्रम करगला कटक जो हजार वर्ष तो कटक सहर कहुए तार ये गड़गड़ेश्वर मंदिर मुखसाक्षी बहन कैं जजाति केशरी यार मुख्य राजा समय मंदिर एवं हजार वर्ष अतिक्रम कर सारे। वर्तमान नना को परवर्ती प्रश्न पचारिया पूर्व मोर क्वेश्चन तो अच्छे नना को गोटे बढ़िया सुंदर प्रश्न अच्छी जार नाम हो मंदिर नाम गड़गड़ेश्वर जहाँ को आम कहे गड़गड़िया मंदिर। ये गड़गड़िया मंदिर को श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ अन्य नाम हो गौरांग निमाई बा विश्वम्बर। यही श्री चैतन्य महाप्रभु जिते 1510 मसीह आसते पुरी को एवं शेष निश्वास त्याग करते 1533 ख्रीटाब्दी एवं से ही समय था किए ना ओडिशा राजा था प्रताप रुद्रदेव।
श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्मर प्रचार वैष्णव धर्म प्रसार पई ओडिशार कोणे अनुकोणे यात्रा करथिले एवं आज प्रतिवर्ष विभिन्न जगार ओडिशार आरंभ होइताय अष्टप्रहरी नामयज्ञ जो नामयज्ञ रे आमे कहिथाउ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलंतु नना को आमर परवर्त प्रश्न रहइब ए मंदिर नाम गड़गड़िया मंदिर काहेकि रखा जाइछ 1510 रे नदिया नदीपुर जितेबाला यात्रा आरंभ करथिले चैतन्य देव एठी महानदी कूल रे एठी गड़गड़िया घाटर तो ना नथिला एही घाटर ओलेकि देखंतु आज भी चिन्ह रही से आंब गछ देखंतु फनी रे उपुड़ी जाइछि से आंब गछर डाळ नदी बंध को 1982 मसीहा पूर्व नई थी ठाकुरंकर पूरा कड़े लगिकी बसंत विश्वाल मुख्यमंत्री समय जो रिंग रोड कार्य आरंभ है नदी आज बहुत घुची जा तार दिग परिवर्तन करछि किंतु गड़गड़ेश्वर महादेव और किछिटा साखी जहाँकि ना कहीं आज भी उज्जीवित रही जहाँकि चैतन्य आसी खुशी से ठाकुर महिमा जापारी ए बाली गड़ी जाइए और आज भी पादचिह छाड़ी जाइंट परवर्ती पीढ़ी की किसी शिखापी कि जानापी एवं अनुभव करने गड़गड़ेश्वर महादेव नाम कहीं खुशी से गड़ी जा प्रताप रुद्रदेव नाम परिवर्तन करथिले से समय राजा तांको ना देथिले गड़गड़ेश्वर पूर्व नाम खड़गेश्वर एवं आजिरो नाम होउछि गड़गड़ेश्वर एवं घाटर नाम गड़गड़िया हिसाब से प्रसिद्धि लाभ करछि जहार फलस्वरूप चैतन्यंकर जन्मदिन रे बंगाली साई मठ एवं ओडिया मठ बड़ ओडिया मठ पुरी एवं महमदिया बजार जो जो जगार से रही थे से आसिकी भजन कीर्तन करी रास कर भोगराग बांटिकी छोट छुआ चॉकलेट बांटिकी बहुत किसी सी एकदम 500 वर्षर आज नुह 500 वर्षर संस्कृति को सेने बजाय रखी एवं या पछपटे भी ऐतिह्य बहन कर ठाकुर राजा निजे प्रतिष्ठित कर पछपटे लेखा रही से लेखारू भी जड़े जापर एवं से बेंगली भाषा लेखाई हिंदी रे लिखा है जी एवं ओडिया रे भी लिखा है जी से जोगुरु ठाकुर नाम गड़गड़ेश्वर है जी एवं बालीजात्रा मध्य सेठु सृष्टि नना मोर परवर्ती प्रश्न मो मन में आउ गोटे माने प्रश्न उंकी मारुची ए मंदिर तो कहिले आपण बहुत वर्ष पुराना मंदिर किंतु एठी क्यों सब पर्व पालन करा जाए ए पर्व सब विशेषत्व कौन सब रही है से विषय टी आप कह भल हाँ देखो आप देखिथे सारा ओडिशा रे कौन सारा भारत बर्षे जेहेतु ये मंदिर हूँ शिव को समर्पित मुख्य मंदिर हूँ शिव मंदिर सबु मंदिर आप जानते गोटे महाशिवरात्रि जहाँ को आम जगर बोली कहू सबू शिव मंदिर मुख्य पर्व हूँ महाशिवरात्रि साधारण विश्वास ताको छाड़ी आउ किसी न था किंतु आमर एठी अनन्य व्यतिक्रम घटे जहाँकि आमर मुख्य सबू जानी जात्रा मध्यरु ठाकुरंकर पर्वपर्वाणी आमर जागर मुख्य पूजा मुख्य समारोह नुह आमर हूँ कार्तिक पूर्णिमा गड़गड़ेश्वर महादेवंकर मुख्य पर्व एवं ठाकुरंकर मंदिर रंगठू आरंभ टू कार्य करी पांच दिन पंचुक पर्यंत प्रत्येक साही एवं कटकर कौन सी गलिकंदी नहीं जोटा कि जो बावन बजार 53 बोली गली कह जाए संकीर्तन मंडल आसती कार्तिक स्नान करती मस सारा कीर्तन करी ठाकुरों पाखे एटी खेचुड़ी भोग रंधा हुए स्वतंत्र से मैंने खाई प्रसाद सेवन करईटा रहा मुख्य ताकू छाड़ी आमर अष्टप्रहरी कराए कार्तिक मसरे जेहेतु चैतन्य आसी बरगछ देखते ये आजिकलिकार न यार एरा कौन आपण भी अनुमान सहजे करेंगे कारण ये गोटे बर गछ या चेर जाई ठाकुर लंबी जो नूतन मंदिर तैयारी होता तले भी ठाकुर तले भी ये चेर खोलला बेलू आम तार अंश विशेष पाइचु एवं ठाकुर सहित यार बहुत जड़ित ये जो बटवृक्ष मूल में बसीचु एवं मालिक भी बहुत किसी वर्णना कर क्षेत्र विषय या बड़ क्षेत्र मान्यता दि जाएगी आपड़ अनुध्यान कले भी जापर एवं दुर्गा पूजा बालीजात्रु 8 दिन धरिकी छाड़ खाई पर्यंत ठाकुरंकर बड़ सिंगार भेष हुए से बड़ सिंगार भेषर सबकि वीडियो क्लिप्स फटो एगुड़ाक भी अच्छी आपण को समस्त भक्त मानकर जानापी मुपरि एवं शिव बहुत जहाँ को कह जाए पश्चिम ओडिशार मुख्य पर्व पश्चिम ओडिशा परे कटक सहर जदि शिव बहुत कह जाए
ତାହେଲେ ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କଟକରେ ସବୁଠୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଆଉ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବେ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯାଉନି, ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେଉନି, ଆମେ କରୁଛୁ। ପୁରାତନ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କ୍ଲିପ୍ସ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଟ୍ରେନିଂ ହାତୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାହାଘର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଠୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ରୋଷଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ କଟକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବି ତାହା ବଜାୟ ରହିଛି। ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଠାକୁରଙ୍କର। ତାପରେ ତ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତି ହରିହର ଭେଟ କୁହାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ଆମର ଔଷଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର 1972 ଏଠି ବିରାଜମାନ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଭୈରବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଠାକୁରଙ୍କର, ସିଏ ହେଉଛି ମାଉସୀ ଘର, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରଥ ଯାଏ, ସେବା ପୂଜା ହୁଏ, ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଫେରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ ଏବଂ ଆମର 3 ପିଢ଼ି ଧରିକିନି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଠି ଥିଲେ, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣମୋହନ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବି ସ୍ଥାପିତ କରାହେଇଛି। ସେ ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତ, ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଏଇଠି ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ତାଙ୍କର ଦାୟାଦମାନେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ମନ ଭିତରୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି। ଗାଈ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଗତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୁହାଳ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଲାଗି ହେବ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ନୀତି ପାଳନ ହୁଏ। ନନା, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ଦିର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଏ ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ମନ୍ଦିରର କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଆପଣ ଯଦି କହନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ଯଦି କିଛି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ଆପଣ ତ ମୋଠୁ ବି ବୟସରେ ବଡ଼ ହେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସାନ ଆପଣଙ୍କଠୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଧେ ଆମର ସରକାର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍, ବହୁତ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପଡ଼େ, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଝଡ଼ି, ବର୍ଷାର। ଏବେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛୁ, ପେପରରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଦ୍ୱାରକାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାଡ଼ିଲା, ପତକା ଜଳିଗଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକବାର ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏନି, ବହୁତ ଥର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମାରିଛି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ସାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା କି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବ ଯାହାକି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଜଳିଯାଇଛି, ବହୁତ କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିରର ଚାରିକଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଠାକୁର 15 ଦିନ ବୁଡ଼ିକି ରହିବେ, ପୁଣି ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବ, ଆମେ ବାହାରୁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାରେ ପୂଜା କରୁ ଏବଂ ଭିତରେ ବସୁ। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳେ ଆସନ୍ତୁ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସାପର ଯାହା ବି ହେଲେ ବାସ୍ନା ହେଉ, ତାକୁ ଦେଖିବା ହେଉ କି ଅନୁଭବ କରିବା ହେଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ବହୁତ ଥର ଆଳତି କଲାବେଳେ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଗୁଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବସିଗଲେ, ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଏ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆଖି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ମନ୍ଦିର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଭଲରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ବହୁତ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କାହାଣୀ କହନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଅନନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୀପକ ମିଶ୍ର। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଯେତେବେଳେ ଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଠି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ସିଏ କହନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଫୁଲ ଖସିବାରୁ ସିଏ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ।
नना आपण मोर से अंतिम प्रश्न बा शेष प्रश्न भक्त और भगवान को संपर्क होची माने जोटा कि आम के वर्णना कर पारे ना कि आउ किछि दिन परे श्रावण मास आसुची श्रावण मासरे गड़गड़िया पीठ से भक्त मानक समागम होता है जो से जल नहीं कि यात्रा करती विभिन्न देवता मान मंदिर को जो आम कहे शिव शिव मंदिर को किंतु ए संपर्क में आपणकर मत कौन कहीं एत भाव में भक्त मानक समागम होता है यार कि तात्पर्य अच्छे कि यार किसी गुरुत्व अच्छे कि बहुत भल प्रश्न गोटे पचारे शेष प्रश्न आपणकर बहुत भल सब प्रश्न तो मत लगुच सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होटिक देखु श्रावण मस विगत दिन मानक कि मारवाड़ी कम्युनिटी आम जो कौचु से मानु आरंभ होता यहाँ अन्य राज्य मानकु आम आनीचु जमी क्या कि फल पनीपरिया आम आफगानु आनीचु कि इजिप्ट्रु आचु से भाई भाव में ये कलचरटा ये परंपराटा आमर नुह आम शिव को आराधना करू पूजा करू किंतु ये जो काउड़ी जत्राटा यहाँ आम राजस्थान गुजरात ये जो सुखा मरुड़ी पड़े ताकू आम कहूँ से गुड़ा तो सब ड्रट प्रभावित एरिया मानने मरुड़ी प्रभावित राज्य से मैंने ठाकुर को शिव को खुशी करने श्रावण मसरे पानी ढाड़ती शिव जहाँ कि वर्ष सारा पनीपरिया फसल से कौन क्षति न हो उपयुक्त वर्षा हो मौसुमी सठिक समय आसू यार अनुरोध पाई शिव को उपरे जलधारे शिव प्रिय शिव जल को बहुत भल पाती से कही आग्राही शिव निर्माण पत्र पुष्पम फलम जलम ता माने हूँ जगन्नाथ मंदिर में छत्तीसा निज को लगिच चौसठ प्रकार भोग लगुच छपन भोग लगुच किंतु शिव ताको आग्राही कर देती सी तो शमशान आज जो जो जगार शिव मंदिर अच्छी काली सका से मशाणी थी हाड़ कंका नर कंका आज भी खोलें बाहर सी हूँ शिवंर स्मृति आपण पशुपतिनाथ देखु नेपाल अवस्थित केदारनाथ देखु जो जो एरिया आम शिवंर क्षेत्र देखुचु सी पूर्व अवस्था गोटे श्मशान थी शिव से बास करुले से जगार शिव मंदिर हो तेणुक पत्र पुष्पम फलम जलम जो कही कौ फल आम से अंगूर किणिकी ठाकुर को चढ़ेले शिव को चढ़ेले सी आशुतोष सी शांति हेनी आम कंटा फल गुल्म जतियों वृक्ष जोटा कि आम कहूँ विष कनिया फल है कि आमर अँला है किटा दुदुरार जो कंटा फल है शिवों पर आम चढ़ऊ सी खुशी हे आमको बर प्रदान करेंगे पत्र कौ पत्र आगे ना बेल पत्र आम चढ़ऊ बेल पत्र जो जंगल जातु आप जो भी ना हाथ बढ़े आप सतटा बेल पत्र चढ़े तेणुक भक्तों भितर कौन सी कैटागोरी जमी कहटा आमर शिवों पाखे आटलिस्ट सृष्टि हुए मुझे बहुत किसी ज्योतिर्लिंग बारटा मोर छा ज्योतिर्लिंग कम्प्लीट हो सब जगह मुझे देखी से सेम पत्र पुष्पम फलम जलम हाँ फूल कौन ना आज्ञा मशाणी में फुटुच्छे आम दुदुरा फूल अरख फूल जोटा को कि लोक छुईवाक डरती सेटा को आम विष फूल भी कही था गयस फूल एगुड़ाक सहजरे मिल जाए कौटी ना श्मशान नदी बंध कड़ मानक जंगल से फूल को सी बहुत भल पाती शेष हूँ जल आप शिव को रागिकी आप मन भितर बेदना जनईकी पा लोटे ढाड़ू खुशी ढाड़ू शिव आशुतोष 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 मान सी जल सी तृष्णार शांति हूँ तेणुकर ना आशुतोष पा लोटे ढाड़े सी आम कथा रखती यहाँ आमर विश्वास तेणुक श्रावण परंपरा को आम कहीं पा सहित संलग्न कलु कारण नई से ओडार गंगा कहुए महानदी एवं ओडा कौन एठू कलिकता तारकेश्वर पर्यंत भी भक्त पा नहीं किम पाखे नजर रही आम जाचु एवं गड़गड़ेश्वर महानदी खासियत हूँ आम गड़गड़िया घाटर एठू केवल पा उठे ठाकुर पाखे पा कहीं ढाड़ी मानने मुख्य वैशिष्य गड़गड़ेश्वर महादेव एठू एते ए घाट पवित्रता और ये गड़गड़ेश्वर महिमा ठाकुर 15-20 जन मारवाड़ी भक्त गुजराती भक्त यात्रा आरंभ कर कपिलास जा चंद्रशेखर पाखे पा लगि करुले हूँ पुरतन परंपरा तापर एत आदृत लाभ कला लक्षाधिक संख्यार श्रावण मसरे काउड़िया भाई मैंने ये जगार बसिकी खाई पीकि ठाकुर पाखे मानसिक करी यू बाहर प्रभु आमर यही मानसिक कि कौन सी रोग वैराग्य कि कौन सी
ବେପାର ଭିତ୍ତିକ ଆମେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛୁ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମିନିମମ୍ 1000-1500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାତ୍ରା କରିବାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନଜିର ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳି ରବିବାର ଦିନ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ହାରାହାରି 10-15 ଲକ୍ଷ ଲୋକରୁ କମ୍ ସମାଗମ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରରୁ କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କୋପରେସନ୍ କରୁ। ଏଠି ନା କୌଣସି ଟିକେଟ୍ର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ନା କୌଣସି ପଇସା ଆଦାୟର ପରମ୍ପରା ଅଛି। କେବଳ ଆମେ ଚାହୁଁ ଭକ୍ତମାନେ କିଏ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବୁ, କିଛି ଭଲ ପାଇବା ଦେବୁ, କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ସିଏ ବି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ, ଆମକୁ ବି ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ହିସାବରେ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହୋଇପାରୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ନିରନ୍ତର ସେବାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ରତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଜାଣିନଥିବା ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମପୀଠକୁ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ କି ଆମେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରର ପୀଠରୁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ପୁରୋହିତ ବା ପୂଜାରୀ। ନନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବାରୁ ୱି ଆର୍ ଅଲସୋ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳି ଏକ ପୁରାତନ ପୀଠର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କଥାକୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଛି ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।